नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरीश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। और अब हम कर रहे हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 10th क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज में हम करेंगे एक्सरसाइज 6। जी हाँ, ट्रायंगल की एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी है, और ये मेंटल मैथ आपके एग्जाम जो बोर्ड के होंगे उसमें काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें से देख कर, इसमें से सीख कर और दूसरों को सिखाएं, दूसरों को शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं चैप्टर 6 है और ट्रायंगल्स लिया है मैंने। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, थोड़े से अजीब क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है। इन फिगर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिगर है और ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। फाइंड डिग्री मेजर ऑफ एंगल डी, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर दोनों ट्रायंगल क्या दिए हुए सिमिलर है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, पिक्चर आपने देख ली है, आइए करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, आइए करना शुरू करते हैं। देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये बच्चों यहाँ पर ये गिवन है, हमें इसको याद रखना है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसकी इसकी जो कोरस्पोंडिंग एंगल हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, तो जो मेजर एंगल ए की आएगी वही मेजरमेंट एंगल डी की होगी। तो सबसे पहले हम एंगल ए की मेजरमेंट फाइंड करेंगे, तभी हम डी की फाइंड कर पाएंगे। आइए करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां पर हमें जो ABC ट्राइंगल है, हमें ABC ट्रायंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है, और यहाँ पर कुछ गिवन है एक्स में और एक्स माइनस वन है, और जो सी की वैल्यू है वो x+4 है, तो हम इसी से मेजरमेंट फाइंड करेंगे। आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों, ट्रायंगल ABC, तो एंगल ए इज इक्वल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर ये मैंने कंक्लूजन लिख दी है। तो एंगल ए की मेजरमेंट है एक्स डिग्री, बी की है एक्स माइनस 1 डिग्री, और यहाँ पर सी की मेजरमेंट है एक्स प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। आइए एक्स को हम ऐड कर लेते हैं, 1x इधर है, 1 इधर 1 इधर, टोटल 3x हो गए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और ये देखिए 4 प्लस का है और 1 जो है माइनस का है, यानी बड़ा नंबर प्लस का, इसलिए प्लस का साइन लगाते हैं। तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अब 3 के सामने इधर प्लस का साइन है, हमें इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना, तो इधर ये माइनस का हो जाएगा, और मैं इधर इसको लिख लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x को इधर ही लिखें और इधर माइनस कर दें, 180 में से 3 माइनस करते हैं तो 177 आएगा, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं 3 से, 3 1 जा 3, और यहाँ पर 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27। ठीक है, इस तरीके से तो एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 59 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो एंगल ए है वो हमारा आया है 59 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब एक बार फिर हम ले लेते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ठीक है बच्चों,
तो इसकी जो कोरस्पोंडिंग एंगल होती है यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के। अब ए की मेजरमेंट आपको मालूम है क्या आई है, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर कि 59 डिग्री आई है, तो डी की भी मेजरमेंट क्या होगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं डी की भी मेजरमेंट होगी 59 डिग्री। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।